अर्जेंटीना में बारिश न होने के पूर्वानुमान से सोइंग प्रक्रिया में और देरी होने का खतरा बढ़ गया है। सीबोर्ड सोयाबीन के भाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उधर क्रूड ऑयल के भाव में रिकवरी के चलते सोयाबीन के भाव में मजबूती के कारण सीबोर्ड सोया तेल के दाम भी मजबूती के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं, जिसके चलते घरेलू बाजारों में भी सोया तेल के घटते दामों को सपोर्ट मिलता नजर आया है। वहीं मंगलवार को इंदौर में सोया तेल नीचे में 1305 तो ऊपर में 1307 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया, जबकि पाम तेल 1020 रुपए प्रति 10 किलो पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं मूंगफली तेल में खरीदारी कम होने के चलते भाव में हल्की गिरावट के साथ भाव 1510 से 30 रुपए प्रति 10 किलो पर रह गए। वहीं यूएसजीए ने कहा है कि अमेरिकी एक्सपोर्ट 20 लाख टन का अनुमान है और हाल ही में 1,10,000 टन एक्सपोर्ट इस साल हुआ है। वहीं इंडोनेशिया सरकार ने पाम तेल के लोकल बिक्री और एक्सपोर्ट की सीमा में कोई बदलाव नहीं करते हुए 8.1% ही रखा है। इंडोनेशिया अगले कुछ दिनों में 1 से 15 दिसंबर के लिए सीपीओ के रेफरेंस भाव और लेवी पर घोषणा कर सकता है। दरअसल देश भर में फिलहाल सोयाबीन की आवक 6,50,000 बोरी के आसपास देखने को मिल रही है। इसमें से मध्य प्रदेश में आवक 3 लाख बोरी की दर्ज की गई है। वहीं भाव की बात की जाए तो भाव 5400 रुपए के आसपास सोयाबीन के मध्य प्रदेश की मंडियों में देखने को मिल रहे हैं, जबकि एवरेज 4800 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल बोला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।